पहाड़ों में ये समस्या हमेशा से रही है कि यहाँ पे डॉक्टर काम नहीं करना चाहते, और जो बच्चे यहाँ पहाड़ के भी हैं और वो क्वालिफाई होके डॉक्टर बन के आते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो प्लेन के इलाके में प्रैक्टिस करें क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी पौड़ी का एक सौभाग्य है कि यहाँ पे एक बालिका MBBS में निकली है और वो परिवार मेरे साथ है, आइए उनसे बातचीत करेंगे। पूरी जी, आप बहुत लंबे समय से यहाँ पौड़ी में जनसेवा कर रहे हैं, किस तरह से ये विचार आया कि बच्ची को डॉक्टरी प्रोफेशन की तरफ प्रोत्साहित किया जाए? नेगी जी, आपने जो सवाल पूछा है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं शुरू से जो है समाज के प्रति जागरूक रूप से कार्य करता रहा हूँ, और कई पेशेंटों के साथ अस्पताल जाना मेरा रोज का काम है, और मैंने देखा कि वहाँ पे जो है लोग किस तरह से डॉक्टरों के लिए परेशान रहते हैं, और पौड़ी की हालत ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर काम करने के लिए बाहर से आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मेरे मन में ये था, जब मेरे बच्चे छोटे ही थे तो मन में ये इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को जो है इस पेशे में डालूँगा कि डॉक्टरों की कमी पहाड़ में न हो, और इसी उद्देश्य से मैंने इससे पहले भी मेरी बड़ी बालिका MBBS की परीक्षा में, नीट की परीक्षा जो होती है उसमें निकली थी, लेकिन थोड़ी मेरी पारिवारिक स्थिति के कारण जो है मैं उसे MBBS नहीं करा सका। आज वो नर्सिंग जो है कर चुकी है, 4 साल का उसका कोर्स पूरा हो चुका है, और इस समय ये द्वितीय पुत्री है मेरी जो सृष्टि, इसने जो है गुरुराम राय से पढ़ाई करके और 90% में गुरुराम राय विद्यालय से टॉप किया है, और उसके बाद डायरेक्ट जो है बिना कोचिंग के नीट की परीक्षा में जो है स्टेट कोटे की 2015 रैंक से पास हुई है, और उसमें इसे जो है जॉली ग्रांट मिला हुआ है, और इस समय भी मैं जो है कई तरह के प्रयास किए इसके लिए, जो है इसका कुछ भाग्य भी साथ दे रहा है कि लोगों ने मेरा सहयोग किया और मैं इसके लिए जो है व्यवस्था बना के इसको मैंने प्रवेश दिला दिया है। आगे ऊपर वाले की इच्छा है कि मैं किस तरह से जो है इसका पढ़ाई पूरी करा सकूँगा, और मेरे जो है इतना ही कहना है कि अगर जनता जागरूक है और लोगों के मन में इच्छा हो तो वो पूरा हो जाता है, वो इच्छा पूरी हो जाती है अगर सच्ची लगन से हम उसकी तरफ कार्य करें तो। मेरे साथ सृष्टि भी है यहाँ पे, सृष्टि से बात करेंगे। सृष्टि बेटा, ये बताओ कि किस तरह से, जिस तरह से आपके पिताजी बता रहे हैं कि बड़ी बहन भी आपकी निकली थी डॉक्टरी में, MBBS वो भी कर सकती थी लेकिन पैसे की दिक्कत से वो नहीं कर पाई, अब आपको हिम्मत करके वो करवा रहे हैं MBBS, तो क्या आप पहाड़ों में, आपका मन है कि पहाड़ों में सेवा करें यहाँ पे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की बड़ी दिक्कत रहती है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा मतलब पापा का जिस हिसाब से रहा है कि पापा की आदत है कि हमेशा डेली वो जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ लोगों की मदद करते हैं, तो मैं भी कई बार जाती हूँ तो मुझे भी देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ सच में बहुत दिक्कत है, यहाँ मतलब गाँव से कितने सारे लोग आते हैं तो उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती उस हिसाब से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब हो मेरा आगे, मतलब मैं डॉक्टर बन जाऊँ जब एक अच्छी खासी, तो मैं यहाँ आऊँ और यहाँ के लोगों की मतलब मदद करूँ अच्छे से। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप, मुझे लगता है कि जब ये कोर्स पूरा होगा तो काफ़ी पैसा खर्च होगा इसमें आपके पिताजी का, आपके परिवार का, हालांकि कुछ मदद भी करने की कोशिश होगी, पता नहीं कहाँ से मदद आएगी, अभी उसका भी कुछ पता नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चलता आपका कि अगर प्लेन में रहें तो पैसा खूब कमाया जा सकता है? वो तो है, प्लेन में रह के पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जब उत्तराखंड में है तो आजकल वैसे भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जहाँ मतलब ये पौड़ी की बात है तो तरह तरीके के लोग यहाँ परेशान हैं, और ऐसा पैसा कमा के क्या करना जहाँ हम लोगों की हेल्प ना कर सकें, उनको अच्छा मतलब दे ना सके कुछ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आऊँ, और वैसे भी पौड़ी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन सब चीज़ों की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आके कंडीशन मतलब काफ़ी स्टेबल कर सकूँ, इतना चाहती हूँ। तो ये मेरे साथ राजकुमार पौड़ी जी थे जो कि BJP के जनपद अध्यक्ष भी रहे पहले, और उन्हीं की सरकार भी अभी, अब देखते हैं कि सरकार उनकी ओर कुछ नज़रों करम करती है कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खुशी की बात है कि पौड़ी में जहाँ पे लगातार आंदोलन चल रहा है यहाँ पे जिला अस्पताल में कि यहाँ पे डॉक्टर आएँ, अब ये उम्मीद है कि सृष्टि जैसे बच्चे जो चाहते हैं कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर वो पहाड़ों में सेवा करें, वो यहाँ आएंगे
और इसके लिए हमें भी इन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि हम हर तरीके से ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आएं जिससे डॉक्टर बने। और क्योंकि डॉक्टर कहीं पेड़ पे पैदा नहीं होंगे, वो इन पहाड़ों में ही पैदा होंगे और पहाड़ के बच्चे ही पहाड़ की सेवा करेंगे। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से आशुतोष नेगी।